क्या आप भी डाइटिंग कर रहे हो पर आपका वेट कम नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वेट गेन हो जा रहा है, या फिर पहले की तरह ही आपका साइड फैट हुआ है? इतने लंबे टाइम से डाइटिंग करने के बावजूद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इन 3 पॉइंट्स को आप जरूर फॉलो करें, डाइटिंग के साथ आपका वेट कम होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है डाइटिंग से कैसे वेट लॉस करें और किन 3 चीजों का आपको ध्यान देना है। तो देखिए, डाइटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि आपको कार्ब्स कम से कम खाना है, जितना कम से कम आप अनाज खाएं। 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से हमारा वेट लॉस जल्दी नहीं हो पाता है। अब कार्ब्स किन किन चीजों में होता है, तो आटा में हो गया, रोटी में, चावल में, अनाज में कार्ब्स ज्यादा होता है। इसके साथ ही सूजी हो गया, बेसन हो गया, रवा हो गया, इन सब चीजों में ज्यादा से ज्यादा कार्ब्स होते हैं। इसके साथ ही ज्वार हो गया, ऐसे जो अनाज के आइटम है इन सब में कार्ब्स ज्यादा होता है। तो आपको कार्ब्स कम से कम लेना है। अगर आपको कार्ब्स की क्रेविंग हो रही है तो आप उतना ही कार्ब्स खाएं जितना कि आपकी फूड क्रेविंग्स को फुलफिल हो सके। जैसे कि अगर आप चावल खाना चाहते हो तो आप एक छोटा सा बाउल में चावल खाएं, रोटी खाना चाहते हो तो एक रोटी आप खा सकते हो, ठीक है। कार्ब्स आपको कम से कम लेना है, और जब आप कार्ब्स कम ले रहे हो, आप अनाज कम ले रहे हो, तो इसके साथ ही आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाना होगा। कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा फ्रूट्स खा सके अपने डाइट में, उतना ज्यादा आप फ्रूट्स इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स आप खाएं। स्पिनेच हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सारे वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाएं। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सब कुछ आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें। दही हो गया, छाछ हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब कुछ आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके साथ ही अनाज आपको कम लेना है, रोटी हो गया, चावल, बेसन, जैसा कि मैंने बताया था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में आता है एक्सरसाइज। डाइटिंग के साथ आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। अगर आपको दिन भर टाइम नहीं मिल रहा है तो दिन भर में आप कम से कम 20 मिनट या फिर 15 मिनट का भी टाइम निकालें। अगर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। 20 मिनट एक्सरसाइज सफिशियंट होता है अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है। एक्सरसाइज करने से फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी शेप में आएगी, टोन बॉडी होगी। अगर किसी का साइड फैट है, थाई फैट, आर्म फैट है, तो वो उसे शेप में लाएगा। इसलिए एक्सरसाइज मस्ट है, और एक्सरसाइज से वेट लॉस भी होता है, इसलिए एक्सरसाइज भी आपको करना है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्लीप। जनरली हम नींद इग्नोर कर देते हैं। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, सोने का टाइम कहाँ है, लेकिन नींद बहुत जरूरी होता है। आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप अच्छे से सोओगे तो आप नेक्स्ट डे एक्टिव रहोगे, फ्रेश फील करोगे। अच्छी नींद पूरी होने से हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा हुआ तो आप एक्टिव रहोगे, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आप लेजी फील नहीं करोगे, थकावट नहीं होगा। तो अगर आप एक्टिव रहोगे तो आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे, एक्सरसाइज भी कर पाओगे, फिर आप खाना भी अच्छे से खा पाओगे, आपको थकावट भी फील नहीं होगी। इसलिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 3 पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो आपको अनाज कम से कम खाना है, कार्ब्स कम लेना है अपने डाइट में। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज इनफ है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है नींद, आपको एक अच्छी नींद लेनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें।